प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजगढ़ वक्फ दरगाह हजरत बाबा बख्शानी प्रबंध कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद शफी खान के नेतृत्व में जन्मदिन मनाया गया। अध्यक्ष शफी खान ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दरगाह पर चादर पेश करते हुए चहुमुख विकास की कामना की और कहा कि प्रधानमंत्री ने सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाकर प्रधान सेवक के रूप में देशवासियों को भी सेवा की प्रेरणा दी है। जनहित, जनसेवा, जनकल्याण ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की वरीयता है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर गरीब का कल्याण तथा सेवा और समर्पण का संकल्प लेते हुए हम उन्हें चंद्रयान 3 व G20 के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद व जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही दरगाह प्रबंध कमेटी के समस्त सदस्यों ने ठहराव मीटिंग आयोजित करते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल के प्रति धन्यवाद प्रस्तावित किया तथा उनके द्वारा वक्फ बोर्ड में किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर दरगाह मुतवल्ली सैयद अमीर मुश्ताक अली रिजवी, सैयद मोहम्मद अली, इमरान अली, मुश्ताक हाशमी, शाकिर अली, आविद अली, आकिब खान, शकील खान, अशरफ गौरी, इरफान मेवाती, आसिफ खान सहित समस्त सदस्य उपस्थित रहे। आज ये चादर चढ़ाई गई है, इस अवसर पर क्या ये सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, सभी को धन्यवाद दूँगा कि अपना जो चंद्र अभियान जो था वो कामयाब हुआ। दूसरा जो भी G20 वाला जो एक अभियान कार्यक्रम था वो भारत के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ और आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, उसको तीनों को लेकर एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित करा हम लोगों ने कमेटी वालों ने मिलकर और उनको मोदी जी को धन्यवाद दिया कि भाई मोदी जी देश के लिए और तरक्की करें और खुशहाली देश में कायम रहे और भारत का नाम और आगे रोशन हो। इसके लिए ये जाय शरीफ बाबा चाहिए और खुशहाली के नमन दुआ। मध्य प्रदेश में मतलब ऐसा नहीं कि राजगढ़ में, मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश में यहाँ की जो आय है उसका 50% राशि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना, इसको लेके हमने 10th क्लास की एक कोचिंग क्लास खोलने का भी एक वो रखा और उनको धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके हमने उनको सनवर साहब को धन्यवाद दिया है इसके लिए कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।